तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं भाई। जो टॉपिक है आज का वो थंबनेल पर आपने देख ही लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके जो बहुत से कमेंट्स मुझे आते हैं जिसमें आप मेरे से पूछते हैं कि सर मेरे जो कर्मा पॉइंट्स हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं। जी हाँ, मेरे कर्मा पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे हैं और सर मैं अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे कर्मा पॉइंट्स पहले इतने थे अब इतने हो गए, और पहले अर्निंग इतनी थी अब इतनी हो गई हैं। वीडियोज़ पर व्यूज़ पहले इतने थे अब इतने हो गए, मतलब इंक्रीज से डिक्रीज़ की ओर वो जा रहे हैं। व्यूज़ हो चाहे अर्निंग हो या फिर कुछ भी कह लीजिए वो, आप शेयर चैट पर कुल मिला के अभी परेशानियों में चलते हैं, और उस परेशानी से जब जूझते हैं तो मेरे को कमेंट करके आप बताते हैं। जब मैं आपकी प्रोफाइल विजिट करता हूं तो मुझे पता लगता है कि एक्चुअली होता क्या है। तो यहां पर कुछ लोगों की प्रोफाइल मैंने देखी और मुझे आज पता लगा कि एक्चुअली कर्मा पॉइंट आपके कम क्यों हैं और क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज के टॉपिक पर हम यही बात करते हैं दोस्तों, इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर चैट पर मैं भी आ चुका हूं, टिकटॉक पर भी हूं, लाइक ऐप पर भी हूं, हेलो ऐप पर भी हूं, और इंस्टाग्राम पर भी हूं, और आप यूट्यूब पर तो मुझे देख ही रहे हो। तो फटाफट से फॉलो कर लो यार अपने अपने जो मनपसंद आपके ऐप हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने सबकी दे रखी है, तो वहां पर भी अपना प्यार ऐसे ही दिखाना। और साथ में ये कहना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, और चैनल सब्सक्राइब करके साथ में लगा नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाओ क्योंकि आप देखना चाहते हो इस थोबड़े को बार बार। तो मुझे पता है बहुत से लोगों ने दबा भी रखा होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत सी बात पहले बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, और मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बातों में ही अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, तो आप लोगों को पता है इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जो मेरे को अपनी आईडीज़ शेयर की थी कमेंट के जरिए, मेल के जरिए, मैंने जो मेल पर देखी, मेल पर देखने के बाद मुझे पता लगा कि भाई ईमेल जो आपकी जो प्रोफाइल है उसमें जो आपने पिक्स दिए हैं, पिक्स पे आपकी इतना अच्छा मुझे लगा नहीं। फिर मैंने कुछ जो मेरे लोगों ने जो मेरे को अपनी आईडी शेयर किए, मैंने उनकी आईडीज़ पर जाकर देखा, तो भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप आईडीज़ पर काम कुछ नहीं कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, काम जब कुछ कर ही नहीं रहे हो तो यार आपको अर्निंग कहाँ से मिलेगी। अब एक बात मैं आपको छोटी सी बताता हूँ, कर्मा पॉइंट्स है क्या थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं भाई। कर्मा पॉइंट जो है वो है आपका अर्निंग, और अगर आपको अर्निंग बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है मेहनत भी करनी होगी। मेहनत आपकी उसमें ज़ीरो है, यानी कि आप जो उसमें टैग यूज़ कर रहे हो वो ठीक यूज़ नहीं कर रहे थे। मैंने बहुत से लोगों में देखा जो जिन लोगों ने वीडियोज़ बना रखी है उसकी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से भी अर्निंग आपकी कम हो जाती है, डिक्रीज़ में आ जाती है। यही एक वजह है जिसकी वजह से आपके कर्मा पॉइंट्स बढ़ नहीं रहे। अब कर्मा पॉइंट्स को बढ़ाना कैसे, बढ़ाना आपने ऐसे है कि आप अपनी जो वीडियोज़ है उसमें अच्छा बैकग्राउंड रखो, कोशिश करो बाहर जाके बनाओ, ठीक है, ऐसे पर्दे पे भी ना बनाओ तो और अच्छा है, बाहर जाके बनाओ, लोगों में बनाओ, पब्लिक में बनाओ, देखो आपकी वीडियोज़ कैसे उठेगी, और आपकी वीडियोज़ भी उठेगी, आपकी अर्निंग भी डबल होगी, और आपके कर्मा पॉइंट्स भी इंक्रीज़ होंगे 100%। तो आज के टॉपिक पर हमने इतना सब कुछ जाना दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आज हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, बाय।